नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं खरीफ और रबी फसलों के नाम याद करने की बहुत ही आसान जीके ट्रिक। जी हां दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम खरीफ और रबी फसलों के नाम याद तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ट्रिक की मदद से आप खरीफ और रबी की फसलों को पूरी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीके गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगी। और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, पहले देखते हैं खरीफ फसलों के नाम याद करने वाली ट्रिक। तो दोस्तों, खरीफ फसलें वे होती हैं जो जून और जुलाई में बोई जाती है, यानी गर्मियों में बोई जाती है, और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, यानी कि सर्दी की जब शुरुआत सी होती है, शुरुआती महीनों में उन्हें काट लिया जाता है, उन्हें खरीफ फसलें कहते हैं। उनमें कौन सी फसलें आती हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, तिलहन है, धान है, गन्ना है, मक्का है, अरहर है, तो ये फसलें आती हैं। आप इन सभी को एक आसान जीके ट्रिक की मदद से याद कर सकते हो, और वो जीके ट्रिक है ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। जी हाँ दोस्तों, देखिए कितनी आसान, छोटी और फनी ही ट्रिक है कि मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो देखिए आप इसे कैसे याद रखेंगे। पहले ट्रिक का पहला शब्द लेते हैं मेहर। मेहर में मैं से याद रखेंगे मक्का, हर से याद रखेंगे अरहर, गधे, फिर अगला शब्द दोस्तों मेहर के गधे, गधे से गै से याद रखेंगे गन्ना, और धे से याद रखेंगे धान। मेहर के गधे ने दिल, दिल से देखिए दोस्तों, दिल से याद रखेंगे तिलहन को, से बाजा बजाया, बाजा से बा से बाजरा, और जा से जवार। जी हाँ दोस्तों, मेहर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, यानी मैं से मक्का, अर से अरहर, गै से गन्ना, धे से धान, दिल से तिलहन, और बा से बाजरा, और जा से जवार। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस छोटी सी आसान सी जीके ट्रिक की मदद से खरीफ की सभी फसलों के नाम याद कर सकते हो। दोस्तों, अब बात आती है रबी की फसलों को नाम याद करने की जीके ट्रिक के बारे में। दोस्तों, ये फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, यानी कि जब सर्दियों की शुरुआत होती है तो इस फसल को बोते हैं, और जब गर्मियों की शुरुआत होती है तो इस फसल को काट लिया जाता है। तो इसको आप, इनके नाम है जो, वो है आलू, जो सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, ये है रबी की फसलें। आप इनको एक आसान जीके ट्रिक की मदद से याद कर सकते हो, और वो जीके ट्रिक है ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज सच में राई में गेम खेला। जी हाँ दोस्तों, राई एक स्थान का भी नाम है जो कि सोनीपत जिले में आता है, हरियाणा में, और राई एक प्रकार की फसल भी है। तो देखिए, आज सच में राई में गेम खेला, आज से याद रखेंगे आ से आलू, जैसे जो, सच में सैसे सरसों, जैसे चना, ठीक है दोस्तों। राई, राई से राई रहेगा, में गेम खेला, गे से याद रखेंगे दोस्तों गेहूं को, और मैं से याद रखेंगे मटर को, यानी आज सच में राई में गेम खेला, यानी आ से आलू, जैसे जो, सैसे सरसों, जैसे चना, राई से राई, गे से गेहूं, और मैं से मटर। तो दोस्तों, ये थे वे दो जीके ट्रिक जिसकी मदद से आप रबी और खरीफ की फसलों को बड़े ही आसानी से याद कर सकते हो। दोस्तों, आपको ये जीके ट्रिक कैसे लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों में न भूलना है, क्योंकि वे भी इस आसान सी जीके ट्रिक के बारे में जान पाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।